दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो के रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वैसे तो कैंसर बॉडी में कहीं भी हो सकता है और वो दिक्कत पैदा करता है, और अगर समय से पता चल जाए तो कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में पता चले तो सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी कि पूरे तरीके से हम उसको ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी रोकथाम कर सकते हैं और उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं जो कैंसर पेशेंट को होती है। ऐसी ही एक समस्या का मैं जिक्र करूंगा दोस्तों, औरतों के गर्भाशय का कैंसर, यूट्रस का कैंसर जब हो जाता है किसी फीमेल को तो उसकी वजह से बच्चेदानी से ब्लीडिंग होती है और वो फीमेल परेशान रहती है, कमज़ोर हो जाती है बेचारी। तो अगर ऐसी स्थिति है कि बच्चेदानी का कैंसर है और उसको हम ठीक नहीं कर सकते, यानी कि थर्ड या फोर्थ स्टेज में है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है महिला को, तो उसके लिए आप दो होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे दोस्तों। पहले दिन आपको देनी है फास्फोरस 200 की तीन खुराकें, फास्फोरस 200 की तीन खुराकें पहले दिन देनी है, सुबह दोपहर शाम एक चम्मच पानी में 2 से 3 बूंदें। और दोस्तों ठीक 4 दिन के बाद आपको देनी है एपीहिस्ट्रिनम। एपीहिस्ट्रिनम एक नोसोड है जो कि 1 mg पोटेंसी में आपको देना है 4 दिन के बाद एक खुराक। तो आप देखेंगे कि इन्हीं दो दवाइयों से पेशेंट को, जो कैंसर पेशेंट है उसको, जो बच्चेदानी का कैंसर था वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको, वो ब्लीडिंग धीरे धीरे करके हफ्ते भर में नॉर्मल हो जाएगी। और इस दवाई को आप बीच बीच में रिपीट कर सकते हैं ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलते रहने दीजिए और ब्लीडिंग के लिए आप ये दो होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।